नमस्कार। कुछ दिन पहले आप ही में से किसी एक ने मुझे वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़े और मुझे बताया कि मैम कॉन्स्टिपेशन से बहुत परेशान है, कोई ऐसा स्विच वर्ड दीजिए जो आपकी मदद करे और हमको इस कॉन्स्टिपेशन से निकाले। आप लोगों ने मुझे मैसेज किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आप ही के लिए है। जो स्विच वर्ड आपके नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए। इस स्विच वर्ड को आपको बोलना है। ये स्विच वर्ड आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स पे काम करेगा, उनको रिलीज करने में सहायता देगा, जिससे हम उस चीज को निकलने में हमारी मदद मिलेगी। वो है क्रैब एप्पल, जो आपको वर्ड का इस्तेमाल करना है, जैसे क्रैब एप्पल क्लियर रिलीज, क्रैब एप्पल क्लियर रिलीज। ये हमारा जो स्विच वर्ड है, ये बेसिकली हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स पे काम करता है। कॉन्स्टिपेशन को यदि हम बीमारी में कहें तो कब्ज होना, पेट के अंदर अपचित खाना होना, या हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ, जो तीन में से कोई समस्या है, उसका ज्यादा बनना, या एसिड का बॉडी के अंदर पेट के अंदर ज्यादा बनना। इसके कई कारण होते हैं जिस कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है। जब उन कारणों पे हम ध्यान देते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन अपने आप ही बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने के लिए हमें, अगर हम डॉक्टर की अगर सलाह से मानते हैं, तो सभी को पता है सुबह के वक्त में वो बोलते हैं एलोवेरा जूस जरूर लें। आप सुबह के एलोवेरा जूस लें जो आपके कॉन्स्टिपेशन में काम करता है। लेकिन अगर हम रेखी से या हम ट्रीटमेंट के थ्रू जाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन के कई कारण निकलते हैं। कॉन्स्टिपेशन होने के सबसे बड़ा कारण है आपके अंदर कोई ऐसी गुप्त समस्या होना जिसे आपने अपने अंदर ही रखा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन आप देखिएगा, अगर लेडीज को होता है, जो मैंने देखा है, वो डिलीवरी होने के बाद होता है, या बचपन में उनको अपनी फैमिली से आता है। कहने के लिए छोटी सी समस्या है, पर अपनी बॉडी से वो चीज टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पा रही। तो आप खुद सोचो कि बाहर नहीं निकल पा रही, यानी कि रिलीज नहीं हो पा रही। जब ये स्विच वर्ड का वहां इस्तेमाल करते तो वो चीज ऑटोमेटिकली रिलीज होना शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन पॉजिटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस स्विच वर्ड को आपको लिखना है। जैसे आप पानी सुबह पी रहे हैं, उस पर लिख लीजिए, बोल लीजिए, और बोलने का तो पानी आप ड्रिंक कीजिए। आपको ताजी हवा में जाने है और अपने आप को कहना है इस स्विच वर्ड को बोलते हुए कि मैं सही हूँ और मैं ठीक हो रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें कई प्रकार की दिक्कतें भी हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम्स के लिए वो क्या करें, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए उनको बोलिए कि अगर वो कोई बात सोचते हैं तो कुछ दिन उन बातों को सोचना बंद कर दें। एलोवेरा जूस का आप यहां इस्तेमाल कीजिए, जो कि कॉन्स्टिपेशन पे बहुत काम करता है। बॉडी के अंदर एसिड जाना ज्यादा बन रहा है, तो उस सोर्स को आप सोचिए कि क्यों वो एसिड बॉडी में बन रहा है। यहां मैं कहूंगी, यदि जिन लोगों को घर में दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है, तो आप एक गिलास के अंदर एक नींबू, एक वास्तु का उपाय दे रही हूं, और थोड़ा नमक डाल के घर में किसी ऐसा डायरेक्शन जहां पे आपकी नेगेटिविटी ज्यादा रहती है, उस कॉर्नर में जाके वो ग्लास रख दीजिए, और उस पानी को भी आप बाहर जाके थ्रो कीजिए। अगर आप अपने कॉन्स्टिपेशन को या किसी भी टेंशन को रिलीज नहीं करेंगे तो वो आपकी बॉडी में बीमारी का रूप ले लेगी। हम रेखी में किसी भी चीज को बीमारी नहीं मानते हैं। कोई ना कोई ऐसा कर्मा आपने अपनी बॉडी में बनाया है जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो यदि कब्ज की दिक्कत हुई तो आपने रिलीज नहीं करी, आपने अंदर ही अंदर सोचते रहे, आपने किसी को मदद नहीं करी, आपने चीजों को अपनी तिजोरी में बांध के रखा, इस तरीके की चीजें जब आपको होती हैं, तो वो सारी चीजें आपकी किस कारण से हो रही हैं? वो कारण हो रही है कि आपने कंजूसी करी, या आप उस चीज को रिलीज नहीं कर रहे, अपने लिए छुपा के रख रहे हैं। तो जब छुपा के रखी तो आपका जो आपके 7 चक्रास थे, उन्होंने भी उसी चीज को, उसी एनर्जी को ले लिया, क्योंकि सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा एनर्जी पर ही निर्धारित है। तो हमारे लिए कब्ज क्या हुआ, एनर्जी का स्रोत हुआ। जो एनर्जी रिलीज नहीं हुई वो कहाँ फॉर्म हुई, कब्ज के रूप में आप ही के अंदर हो गई,
और जो आपकी आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल रही। कुछ लोग आप देखिएगा ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं, जो फेस पे कुछ होते हैं पीछे कुछ होते हैं। आपके भाई बहन रिश्तेदार कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, मुंह पे बहुत अच्छा बोलते हैं पीछे वो अच्छे होते हैं और आपको पता होता है। तो याद रखिए उनको ये प्रॉब्लम होगी, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की 100% ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होगी जो कि अपने आप को सामने कुछ रखते हैं मुंह पर कुछ बोलते हैं, किसी से संग कुछ रिलेशन से किसी से कुछ रिलेशन से, ऐसे व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना है आप लोगों को, नॉर्मल रहना है आप लोगों को, अपना जो आदत है उसे छोड़ना है। कॉन्स्टिपेशन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि दबाए जाते हैं, जिनको दबा दिया जाता है उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहूंगी सुबह के वक्त जैसे आप पानी पी के अपनी बॉडी को रिलीज कर रहे हैं, उसने कॉन्स्टिपेशन को भी आप बोलिए, उसको आप एफर्मेशन डालिए और ये स्विच वर्ड को वहां बोलते हुए पानी का ग्लास को आप ड्रिंक कीजिए। जब आप पानी पियेंगे ये स्विच वर्ड बोलेंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन आपकी बॉडी से खुद ही रिलीज होगा। इस तरीके से आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्रिस्टल मैंने देखा है वो आप मगल ब्लैक टर्मलाइन, वो भी आपकी नेगेटिविटी पे बहुत काम करता है। तो उसका आप ब्रासलेट चाहे आप माला, अगर थोड़ी आप महंगी आ सकते तो माला पहनिए, तो वो क्रिस्टल भी आपकी नेगेटिविटी थॉट क्लैरिटी पे काम करेगा। तो अचानक से उस चीज को अफर्मेशन डालने में आपको मजबूती मिलेगी। तो ब्लैक टर्मलाइन का पेंडेंट क्रिस्टल या उसका आप क्रिस्टल आप रख सकते हैं अपने घर में या माला पहन सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल कीजिए जो भी आपकी एनर्जीज पे आपकी बॉडी पे काम करेगी।